लेकिन दीदी ये फॉरम में दायां वाला भाग तो खाली है पड़ा है। बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं आप। इस दाएं भाग की जानकारी हम तब भरेंगे जब हम लोगों के खेतों की जांच करने जाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर लिखा भी है, सदस्य के विधि अपनाने के बाद जब जांच करने जाएं तब नीचे भरें। ओहो, तब ये हम कहें कि फॉर्म तो आधे ही भरा है, तो कब जाएंगे दीदी जांच करने के लिए बतलाइए। अरे भाई रुक जाइए, जब लोग इस विधि को अपना लेंगे तब हम उनके खेतों में जांच करने के लिए जाएंगे। मतलब अभी 2-3 हफ्ते हैं आपके पास। दीदी आप जब बुलाएंगी तब हम दोनों आ जाएंगे। समझ गए ना अनुज, फॉर्म भरना अब कितना आसान हो गया है। हाँ भाई, पहले तो लगता था कि सब कुछ गलत सलत हो जाएगा, लेकिन दीदी आपने तो सारी दुविधा ही दूर कर दी। अब तो फॉर्म भरना बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है दीदी, अब हम लोग चलते हैं। प्रणाम। अच्छा प्रणाम। जिन दीदी लोगों को हमने श्री विधि से गेहूं की रोपाई का वीडियो दिखाया था, उन्हीं में से कुछ दीदी लोगों ने अपने खेतों में श्री विधि से गेहूं की रोपाई की है। इसीलिए आज हम उनके खेतों की जांच करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी सिखा देंगे कि फार्म का यह जांच वाला भाग कैसे भरना है। दीदी ये बात समझ में नहीं आई, जब हमने उनको वीडियो दिखा दी है और समझा भी दिया है तो खेत में जाके जांच करने की क्या जरूरत है। जांच करना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह पता कर सकें कि दीदी लोगों ने कोई अति आवश्यक बिंदु छोड़ तो नहीं दिया है। अच्छा दीदी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम वो तारीख भरेंगे जब दीदी लोगों ने अपने खेत में गेहूं की रोपाई की है। ठीक है दीदी। और ये दूसरे स्थानों में निशान लगाकर हमें ये जांच करनी है कि दीदी लोगों ने अति आवश्यक बात के हिसाब से रोपाई की है या नहीं। जैसे हमने उस दिन ये अति आवश्यक बातें लिखी थी वीडियो से पहले। दीदी ये क्रम तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि कोई बिंदु पहले आए या बाद में। देखिए वीडियो में जिस क्रम के हिसाब से ये बातें लिखी होती हैं हमें भी उसी क्रम में ये बातें लिखनी होती है। इससे समय भी बचता है और समझने में भी आसानी होती है। ठीक है दीदी, हम भी ऐसा ही करेंगे। जिस दिन जांच करने जाते हैं उस दिन को कहते हैं जांच की तारीख। जहां सदस्य के हस्ताक्षर लिखा है वहां जांच के बाद दीदी के हस्ताक्षर ले लेंगे। नीचे देखिए यहाँ लिखा है अपनाने में समस्याएं, यानी दीदी लोगों से हम पूछेंगे कि उनको इस विधि को अपनाने में क्या क्या दिक्कत आई और उसको लिख लेंगे ताकि आगे से उन्हें और अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अब यहाँ देखिए, यहाँ मध्यस्थ के हस्ताक्षर, यहाँ पर आज तो हमारा नाम आएगा, बताइए क्यों। क्योंकि दीदी आपने दीदी लोगों को यह वीडियो दिखाया और समझाया और आज आप ही जांच के लिए जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, तो चलिए अब जांच के लिए चलते हैं। चलिए दीदी। चलिए दीदी अब आपके खेत में चलकर देख लेते हैं कि आपने श्री विधि से गेहूं की रोपाई कैसे की है। चलिए दीदी हम श्री विधि से जो गेहूं का रोपाई है से दिखला देते हैं आपको खेत में। अच्छा तो ये है आपका खेत, कुछ बीज तो ऊपर आने भी लगे हैं। अच्छा दीदी एक बात बताइए, आपने रोपाई किस तारीख को की थी। दीदी हम 5 दिसंबर को रोपाई किए थे। और रोपाई से पहले बीज का उपचार किया था ना आपने। दीदी हम बीज का उपचार तो हम नहीं किए थे,
क्यों? केचुआ खाद नहीं मिला ना, इसीलिए बीज का उपचार नहीं किए। अच्छा। अच्छा दीदी, बीज से बीज की दूरी आपने कितने की रखी थी? बीज से बीज का दूरी हमने 8 इंच के रखी थी, जिसने आप बताए थे। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपने कितने की रखी थी? लाइन से लाइन का दूरी भी 8 इंच रखे थे। दीदी, ये दूरी आपने अंदाजे से रखी थी या माप कर? नहीं, एक बार हम लोग नाप लेते हैं ना, उसी तरीका से गेहूं को रोपते हैं। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी के बीच में आपने कितने बीज रोपे थे? बीज के दूरी में और लाइन से लाइन के दूरी में हमने 2 दाने डाले थे। अच्छा तो दीदी, आप ये बताइए कि जो हमने आपको वीडियो दिखाया था और ये जो आपने तरीका इस्तेमाल किया है, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? दीदी, वीडियो देख के अपनाने में तो परेशानी नहीं लगा, मगर थोड़ा वो लाइन से लाइन जो बना करके या थोड़ा रोपने में, इसी में थोड़ा परेशानी हुआ। अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखने में हमें अपना समय दिया और जांच करने में भी। हाँ, ये सब तो हमारे लिए ना किए हैं, हमको भी तो फायदा है इसमें। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। और हाँ, अगली बार से आप सारी अति आवश्यक बातें याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी, तो चलते हैं। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। प्रणाम दीदी। अच्छा, इस बार आप लोग भी जो भी दीदी सवालों के जवाब दें, उसे अपने फार्म में जरूर भर लीजिएगा, ठीक है? दीदी, और कितनी दूर है आपका खेत? बस दीदी आ गए, ये तो रहा मेरा खेत। अच्छा, यही है आपका खेत? हाँ दीदी। दीदी, एक बात बताइए, आपने रोपाई किस तारीख को की थी? दीदी, हमने गेहूं के रोपाई 6 दिसंबर को की। 6 दिसंबर को? अच्छा, रोपाई करने से पहले गेहूं के बीज का उपचार किया था ना? दीदी, हम रोपाई से पहले बीज उपचार नहीं किए थे। अच्छा दीदी, ये बताइए कि बीज से बीज की दूरी आपने कितनी रखी थी? दीदी, बीज के बीज से दूरी हमने 8 इंच रखी थी। अच्छा, और लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपने कितने की रखी थी? दीदी, लाइन से लाइन की दूरी भी हमने 8 इंच की रखी थी।
दीदी, बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी के बीच में आपने कितने बीज रोपे थे? दीदी, बीज के दूरी और लाइन से लाइन की बीज की दूरी हम 3 और 4 बीज रोपे थे। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले आपने वीडियो देखने में अपना समय हमें दिया और अब जांच करने में। तो दीदी, ये सब तो हमारे अच्छे फसल के लिए ही ना आप किए थे। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। दीदी, अब चलते हैं। प्रणाम। और आप लोग भी अब समझ गए ना कि जांच कैसे की जाती है? हाँ दीदी, बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि जांच कैसे की जाती है और जांच करना क्यों जरूरी है। और दीदी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब फार्म का हर कॉलम सही सही भर गया है। अब तो फार्म भरना बिल्कुल आसान हो गया, क्यों सुधीर? बिल्कुल ठीक है, तो अब चलते हैं। चलिए दीदी।